बहुत अच्छा दिखा क्योंकि फर्स्ट वर्क है, लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है हर काम में शुरुआत से ही सीखना पड़ता है। तो अच्छा दिखा, ये लोग को कोशिश कर रहे पहले तो ये अच्छा लगा, ट्रेलर तो सेकंड थिंग है, कोशिश कर रहे कुछ अच्छा करने की, तो देखकर तो अच्छा लगा। इसमें इम्प्रूवमेंट्स और भी कर सकते थे, लेकिन ये लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। क्या लगता है आपको ऐसे लोगों को, ऐसे जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों को ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए, आप जैसे लोगों जैसे सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मेरा तो यही सोचना है कि जिसको भी मेरी तरफ से छोटी सी चीज़ का भी सपोर्ट चाहिए तो मैं बिल्कुल हाजिर हो जाता हूँ, और चाहे वो कोई भी टाइम हो, एनी टाइम मैं अगर फ्री रहूँगा तो पक्का आ जाऊँगा। और सपोर्ट करके खुशी होती है किसी को, और मैं ऐसा लाइक कभी कभी हो जाता है, कभी बिजी रहने पर कहीं पर जा नहीं सकते, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से अगर किसी को कुछ सपोर्ट या फिर खुशी मिलती है तो मैं उसमें बिल्कुल शामिल हो जाता हूँ। आपके चाहने वाले जो भी हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस मूवी को? बिल्कुल, जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज़ गैंगस्टर शॉर्ट फिल्म देखिए, यूट्यूब पर आ रही है, छिछोरे, हैदराबादी छिछोरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही यंगस्टर्स, अंडर एज और 18 प्लस एज के भी लोग हैं इसमें, तो बहुत कम उम्र से कोशिश कर रहे हैं लोग, तो इन लोग को सपोर्ट करिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है इनका, तो उन लोग को लाइक्स करिए, कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा, तो ताकि उन लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा काम करिए वैसा काम करिए। स्पेशल ऑब्वियसली कि कमेंट्स से ही मालूम होता है कि आपका काम कैसा है, तो पब्लिक रिव्यूज़ जो होते हैं उसी से आप लोग इससे इंस्पायर भी हो सकते हैं, मोटिवेट भी हो सकते हैं कि कमेंट्स में लोग क्या बोलते हैं आपके मूवी के बारे में, तो उसको देखकर आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आपको गैंगस्टर नाम कैसा दिखाई? गैंगस्टर तो ऐसा नाम है, दिल बोल रहा है कि मैं जिसमें एक हीरो रहना था बोल के क्योंकि मैं खुद ये मतलब लाइक गैंगस्टर मूवीज़ बहुत अच्छे दिखते मेरे को, और अभी रिसेंटली हम लोग भी सोच रहे थे कुछ ऐसे ही काम करेंगे बोल के, लेकिन हम लोग का कुछ और काम चल रहा है तो उसमें बिजी है हम लोग, लेकिन गैंगस्टर एक ऐसे लेवल का नाम है जिसको कितना भी कुछ भी कितना भी काम कर लो, कितना भी उसके ऊपर आप वर्क कर लो कम है, क्योंकि एक से बढ़कर एक मूवी है गैंगस्टर्स को लेकर, तो अच्छा नाम है, देखेंगे मूवी का नाम के साथ काम कैसा है। समद, अयान और आयशा को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इतनी यंग एज में उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा एंड उस पर एक कोशिश करने की, आई मीन एक्ट करने की कोशिश की, एंड ऑल द स्टार्टिंग ट्रेलर भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि एक बार उनका ट्रेलर, उनकी मूवी, शॉर्ट मूवी यूट्यूब पे ज़रूर देखें, और लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, उनको सपोर्ट करें। न्यू जनरेशन को हम सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स वो आगे चल के बहुत अच्छे एक्टर्स साबित होंगे। तो आई वुड जस्ट गिव टेल देम ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मूवी। मैम, आपको ट्रेलर देखने के बाद कैसा महसूस हुआ फिल्म मूवी? अभी तो सस्पेंस लगा है ना ट्रेलर, तो जब हम पूरी मूवी देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं भी ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट करूँगी नीचे जाके श्योरली कि मुझे कैसा लगा मूवी। बट अच्छा ओवरऑल उनका जो स्टार्टअप है बहुत अच्छा है, एंड श्योरली हम उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। वेल, मेरा नाम है अयान मिर्ज़ा, तो मैं सुपर मॉडल हूँ जो हैदराबाद में जो भी है फैशन फिल्म है, जो भी हैदराबाद में फैशन वॉक्स होते हैं, हैदराबाद में जो भी शोज़ होते हैं सब करके, और मैं ब्रांड्स करके हूँ मैक्स के इसके, और मैं ज़्यादा फैशन फिल्म में, फिर एक्टिंग स्टार्ट करियर मेरा। ये आपकी जो फिल्म है आपको कैसे मिली, मतलब? देखो, मेरा पहले एक प्रीवियस प्रोजेक्ट आया था, तो मैं समद का कॉल आया था, उन्होंने मैसेज करे थे मेरे को पहला इंस्टाग्राम पर, क्या मैं आपसे मीटअप करना है, तो भाई मेरे से मीटअप करके मैं प्रोजेक्ट दिए थे इनके तरफ से मिला है। तो कैसे लगी आपको स्टोरी, आप सुनते हैं यहाँ करें? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मैं स्टोरी देखता ना कि कैसा थी क्या है कुछ देखना, मैं एक एक्टर हूँ, अब कुछ भी तो मैं करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। फिर भी लोग सोचते रहे कि भाई मैं ये रोल में चलूँगा या नहीं, मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब एक्टर है ना तो कुछ भी कर सकता है, रोल्स देखता नहीं है। तो कैसा लगा आपको काम करके? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त दिखा, अच्छा दिखा। नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आ रहा है मेरा, तेलुगु मूवी कर रहा हूँ मेरा, वो भी अपकमिंग आने वाला है। कितने साल से आप ये फील्ड में, जैसे कि मॉडलिंग कर रहे हैं आप? मॉडलिंग तो मैं 4 इयर्स से हूँ। अच्छा, यानी कि 4 इयर्स की एज से है या फिर 4 इयर्स से है? लाइक 2018 में स्टार्ट करा था मैं मॉडलिंग करियर। जी जी। फिर जब से अब तक लाइक मॉडलिंग 2 इयर्स में, मॉडलिंग में बहुत जल्दी सक्सेस हो गया था, फिर मैं जैसा सक्सेस हुआ मैं बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलना लग गए, 3 म्यूजिक वीडियोज़ कर लिया मैं बॉलीवुड के, फिर इधर आ गया। अभी आपको क्या होप है आपको ये मूवी से? देखो, होप तो है, क्योंकि जब मेहनत करें ना तो फल मिलता ही है, तो होप की बात है तो ऑब्वियसली हिट हो जाती है। आपके व्यूवर्स को, आपके चाहने वालों को क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं यही चाहता कि
अच्छी दिखी या ना दिखी कुछ नहीं है, बस जो भी आप कॉन्सेप्ट देख के समझो, अगर एक बार समझ में भी नहीं आए सेकेंड टाइम देख के समझ के आप जो भी समझ में आ रहा है देख के बस सपोर्ट करो। आप हैदराबाद में तकरीबन हैदराबादी में क्या है ट्रोलिंग चलती, अगर जो भी है ये ट्रोल वो ट्रोल, एक्ट्रेस भी है तो एक्ट्रेस के ऊपर ट्रोलिंग, तो मैं बोलता हूँ ये नेगेटिव माइंडसेट हटा देना है, जो मेहनत कर रहा है उसको बस अप्रिशिएट करना है उसके वर्क को, तो बस यही है, क्योंकि काम इतना आसानी से होता नहीं है जो भी काम है। आपके जो को एक्टर्स है वो लोगों का आपके साथ काम कैसे दिखा? आयशा तो, आयशा को तो मैं पहले से ही जानता हूँ, आयशा मेरी फ्रेंड है 1 ईयर से, लाइक मॉडलिंग में मिले थे इन्हों भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिखा, बहुत अच्छा दिखा। आपके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ आपका कैसा काम? मैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एज ए फ्रेंड, एज ए मेरे को इन्वाइट करके मिले थे उनको, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं आज तक बुलाया नहीं। मैं बोला भाई तू मेरे छोटे भाई है, मैं भाई बनाया उनको, मैं कभी ये नहीं समझा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि इनका वर्क नहीं है मेरा वर्क है, मेरा वर्क समझ के मैं वर्क कर रहा हूँ। कितने दिन मुकम्मल हुआ फिल्म बना? लाइक ऑलमोस्ट 3 डेज हो गया, अब बाहर भी हो गई शूटिंग, तो मेरे जितने भी थे मैं तो 3 डेज था, बाकी का इन लोगों को मानो कितना हुआ। जी आज हमारी लॉन्चिंग है गैंग लव स्टोरी ऑफ ए गैंगस्टर, हमारी मूवी का टाइटल है, तो आज हम लोग 5 फरवरी 2022 लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हमारी मूवी में आपको एक तरीके का लव स्टोरी देखने को मिलेगा, फुल इंटरटेन, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा बहुत सैडनेस भी है अपने पास, एक तरीके का मैसेज भी है। क्या मैसेज आप देना चाह रहे पब्लिक को? क्या मैसेज पब्लिक को? एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग एक तरीके से पूरी फैमिली के साथ अपनी बैठ के मूवी देख ले सकते हैं। किस पे रिलीज होंगी आपकी मूवी? जी मेरी मूवी है हैदराबादी चिचोरे यूट्यूब चैनल है, जी वहाँ पर ये मूवी रिलीज होंगी। लीड कैरेक्टर आयन मिर्जा है, और इसमें हीरोइन का नाम है, हीरोइन का नाम आयशा है। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? कौन हीरोइन? हीरोइन का हीरोइन किरदार जी उन्होंने एक जो नहीं नहीं ये आयन मिर्जा की उन्होंने गर्लफ्रेंड रहेंगे जी। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर? जी मैं हूँ, मेरे साथ एक टीम है। आप प्रोड्यूसर हैं? मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ मेरे साथ। कैसे आपको क्लिक हुआ ये मूवी, मतलब कैसे आप कौन-कौन लिखे? मेरे को देखिए एक कॉन्सेप्ट आया था कि एक दिमाग में एक गैंगस्टर तरीके के एक बनाना बोल के, अब देखा जा रहा है आपकी हैदराबाद में अभी फिलवक के हिसाब से हैदराबाद में अपने गैंगस्टर्स का मसला बहुत चल रहा, तो अब लव स्टोरीज भी चल रहे हैं बहुत जनों के, कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं रह रही लव स्टोरी के लिए, तो लव स्टोरी हर एक जने की चल रही, तो एक लव स्टोरी ऑफ ए गैंगस्टर तरीके के टाइटल में कुछ सुधरा था, तो मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड बैठ के हम लोग टीम डिस्कस कर लिए थे, तो ऐसे स्क्रिप्ट कर ले के आयन मेरे भाई के तरह ही है, तो हम लोग मिलके डिसाइड कर लेके फिर स्टार्ट करें। कितने दिन हुए आपके मूवी को? जी मेरे को ये टोटली 4 डेज कंप्लीट हुए थे। प्लानिंग के लिए आपको कितना टाइम? प्लानिंग के लिए मेरे को एक नियरली 1.5 महीना कुछ लगा था। कहाँ पे शूटिंग? कहाँ पे हुई ज़्यादातर शूटिंग? जिसकी शमशाबाद पे हुई, अपने ओल्ड सिटी में हुई जी, हैदराबाद में ही पूरे टोटली। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या होप है आपको इस फिल्म से? होपिंग तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है होपिंग, तो आगे बढ़ेंगे, नेवर गिव अप। ओवरऑल आपकी जो मूवी है क्या बजट है उस मूवी का? मूवी का बजट छोड़ दीजिए, बजट के बाद में नेक्स्ट भी रहेगा इंशाल्लाह, अभी आगे बहुत प्लानिंग चल रहे हैं इस पे। तमाम आपके काम में आपके तमाम फैमिली आपकी सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किसका रहा आपको? सपोर्ट तो मेरे को पूरे भाइयों का, फैमिली का भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी आपके व्यूअर्स जो भी है जी, उनसे आप क्या कहना चाहिए, क्या रिक्वेस्ट? मेरे व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उन लोग जाकर मूवी देखिए, और जिस जिसको अपने क्या अपने एक अंदाज में देखिए,